नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पावर प्लांट इंस्ट्रूमेंटेशन में। और आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो है डीसीएस पीएलसी सिग्नल फ्लो, और ये डीसीएस सिस्टम का पार्ट थर्ड है। और अगर आपने अभी तक फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे और अपने डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दे रहा हूँ, आप यहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है, तो दोस्तों आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनको भी काफ़ी हेल्प मिल सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं डीसीएस पीएलसी फ्लो डायग्राम्स। तो हमारे फील्ड से लेकर और हमारे डीसीएस पैनल रूम तक कौन कौन से हमारे डिवाइसेस यूज होते हैं, तो कुछ इस प्रकार से होते हैं। जैसे फील्ड ट्रांसमीटर हो गया, उसको जंक्शन बॉक्स में जाता है सबसे पहले सिग्नल। जंक्शन बॉक्स से हमारा मार्शलिंग कैबिनेट में जाता है, मार्शलिंग कैबिनेट से सिस्टम कैबिनेट में जाता है, और सिस्टम कैबिनेट से वर्क स्टेशन में जाता है। तो ये मैंने एक ओवरव्यू दिया है आपको, ठीक है। और ये कंट्रोल बेसिक वायरिंग लेआउट स्ट्रक्चर है जो कुछ इस प्रकार का होता है। हमारे जो प्रोसेस एरिया फील्ड डिवाइसेस लगी होती हैं, ठीक है, और यहाँ से जो है फील्ड डिवाइसेस से सिंगल सिंगल पेयर का एक केबल जो है जेबी में हमारे कनेक्टेड होता है, और जेबी से हमारा जो है मेन केबल हमारे मार्शलिंग कैबिनेट से कनेक्टेड होता है, और इस मार्शलिंग कैबिनेट से हमारे आईओ एक्सटेंशन केबल के थ्रू ये हमारे सिस्टम कैबिनेट से कनेक्टेड होता है। ये सारा का सारा कंट्रोल रूम में, पैनल रूम में इंस्टॉल होता है, ठीक है। और उसके बाद से ये हमारा डेटा कम्युनिकेशन केबल्स के थ्रू हमारा वर्क स्टेशन से कम्युनिकेशन होता है, जिसको हम लोग ऑपरेटर रूम बोलते हैं, ऑपरेटर वर्क स्टेशन या इंजीनियरिंग वर्क स्टेशन बोलते हैं। तो कुछ इस प्रकार का बेसिक लेआउट होता है इसका। तो चलिए अब एक एक करके समझते हैं कि हमारा फील्ड जंक्शन बॉक्स क्या होता है, मार्शलिंग कैबिनेट्स क्या होता है, डीसीएस क्या होता है, और वर्क स्टेशन कैसा होता है। तो चलिए अब समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि फील्ड जंक्शन बॉक्स का हमारा क्या यूज होता है। हमारे इंस्ट्रूमेंट जो इंस्टॉल होते हैं फील्ड में, उनका जो है सारे वायर जो है हमारे जंक्शन बॉक्स में कनेक्टेड होता है, और इस जंक्शन बॉक्स में हमारा एक मेन केबल हमारे कंट्रोल रूम की तरफ जाता है। तो जैसा आपको मालूम है कि मान लीजिए ये सिंगल सिंगल अगर वायर हम अगर अपने डायरेक्ट कंट्रोल रूम में लेके जाएंगे तो हमको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए हम लोग एक मेन जो है केबल डालते हैं, जिसका जो पेयर होता है वो काफ़ी सारे पेयर्स होते हैं इसमें, ठीक है। और कुछ पेयर्स हम लोग यहाँ पे स्पेयर भी छोड़ते हैं कि मान लीजिए फ्यूचर में हमको कोई नया डिवाइसेस इंस्टॉल करना है हमको फील्ड में, तो उसके लिए अलग से कोई केबल ना डालनी पड़े, ठीक है। तो ये हमारे मेन केबल हमारी चली गई मार्शलिंग कैबिनेट में। तो कुछ इस प्रकार का जंक्शन बॉक्स आपको फील्ड में देखने को मिलेगा। तो अ जंक्शन बॉक्स इन अ इलेक्ट्रिकल बॉक्स दैट कंटेन्स टर्मिनल बॉक्स, इट एक्ट्स एन अ इंटरमीडिएट जंक्शन बॉक्स फील्ड डिवाइसेस एंड कंट्रोल पैनल्स, ठीक है। इन अ प्रोसेस प्लांट वी हैव सो मैनी जंक्शन बॉक्स इंस्टॉल्ड एंड कनेक्टेड विद नंबर ऑफ फील्ड डिवाइसेस। तो आपको फील्ड्स में, आपको प्लांट्स में बहुत सारे जंक्शन बॉक्स देखने को मिलेंगे। तो ये मैं किसी एक जंक्शन बॉक्स का एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जिससे कि आपको समझ में आए कि कैसे हमारा सिग्नल का फ्लो होता है। तो ये हमारा सिग्नल जो है यहाँ से फील्ड डिवाइसेस से हमारा जंक्शन बॉक्स में आया, और अब जंक्शन बॉक्स से हमारा मार्शलिंग कैबिनेट में जाएगा। चलिए अब समझते हैं मार्शलिंग कैबिनेट क्या होता है। तो हमारी जो मेन्स केबल हैं जो जंक्शन बॉक्स से जो आ रही हैं, तो ये हमारे मार्शलिंग कैबिनेट्स में आती हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाया गया है इसमें, ठीक है। तो मार्शलिंग कैबिनेट क्या होता है, मार्शलिंग कैबिनेट मेन पर्पज इज टू प्रोवाइड मेन केबल्स टर्मिनेशन एंड देन रीडिस्ट्रीब्यूट द फील्ड डिवाइसेस टू रिस्पेक्टिव एनालॉग इनपुट आउटपुट एंड डिजिटल इनपुट आउटपुट यूजिंग इंटरनल वायरिंग। इंटरनल वायरिंग विल बी यूज टू कनेक्ट फ्रॉम मार्शलिंग कैबिनेट टू सिस्टम कैबिनेट। अब ये मार्शलिंग कैबिनेट से इंटरनल वायरिंग होती है हमारे सिस्टम कैबिनेट में। तो मार्शलिंग कैबिनेट कुछ इस प्रकार का होता है, यहाँ पे ये फ्यूज टीवीज लगी होती हैं, ठीक है, बैक साइड का जो पैनल होता है। उसके बाद अब समझते हैं सिस्टम कैबिनेट। तो सिस्टम कैबिनेट हमारा क्या होता है, सिस्टम कैबिनेट कंसिस्ट ऑफ प्रोसेसर कार्ड्स, जिसमें सीपीयू होता है, एनालॉग इनपुट्स होते हैं, एनालॉग आउटपुट्स कार्ड्स होते हैं, डिजिटल इनपुट होते हैं जिनको डीआई बोलते हैं, ठीक है, डीओ होते हैं, डिजिटल आउटपुट कार्ड्स होते हैं। तो ये सारे के सारे कार्ड्स होते हैं। तो दोस्तों, मेरा जो डीसीएस सिस्टम का सेकेंड पार्ट था वो सिग्नल पे था कि एनालॉग इनपुट डिजिटल इनपुट एंड एनालॉग आउटपुट डिजिटल आउटपुट सिग्नल क्या होते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, और ये सिग्नल हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा सिग्नल किस टाइप का है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिस्टम कैबिनेट्स में हमारे ये कम्युनिकेशन कार्ड्स, इनपुट आउटपुट कार्ड्स होते हैं। तो कुछ इस प्रकार का ये इनपुट आउटपुट कार्ड होता है। उसके बाद हमारा ये कंट्रोलर्स भी लगा होता है, ठीक है, हमारे सिस्टम कैबिनेट में। फिर उसके बाद हमारा सिस्टम कैबिनेट से हमारा जो सिग्नल जाता है वो ईथरनेट फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन स्विच में जाता है, ठीक है। तो ये हमारा ईथरनेट फाइबर ऑप्टिक स्विच है, ये हमारा सिग्नल आया हमारे कंट्रोलर्स से,
ठीक है। और उसके बाद ये स्विच से हमारा जो है ये वर्क स्टेशन, इंजीनियरिंग वर्क स्टेशन या ऑपरेटर वर्क स्टेशन जो है ये कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो फाइनली हम लोग डेटा जो है यहाँ पे देख पाते हैं कि हमारे फील्ड में क्या वैल्यू चल रही है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ से कमांड देते हैं इसको किसी कंट्रोल वाल को, मान लीजिए फील्ड में ओपन क्लोज करने के लिए, तो सेम पाथ फॉलो करता है, ठीक है। और अगर फील्ड से अगर कुछ वैल्यू हम यहाँ पे शो कराते हैं, यहाँ पे हम रीड करते हैं, देखते हैं, तो यही सेम पाथ फॉलो करता है। बस फर्क इतना होता है कि हमारे कौन से कार्ड्स हैं, कौन सा हमारा किस टाइप का सिग्नल है, हमारा AI है, AO है, DI है, DO है, यही डिफरेंस होता है, बाकी सिग्नल का फ्लो सेम रहता है। मैं आपको फाइनली स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। तो जैसे हमारे फील्ड्स में आप देखते हैं कि ये SOB लगा हुआ है, MOB है, ठीक है, एक्चुएटर है, स्विच है, मोटर है, कंट्रोल वाल है, ठीक है, लेवल स्विच है, ट्रांसमीटर है, तो ये सारे के सारे जो है कनेक्टेड होते हैं हमारे एक JB में, इनके सारे वायर जो है JB में जाते हैं, और JB से हमारे मार्शलिंग कैबिनेट में सारे कनेक्शन आते हैं, यहाँ पे फ्यूज TV लगी होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है कार्ड्स में आता है, कंट्रोलर्स में आता है यहाँ पे, ठीक है, जिसको सिस्टम कैबिनेट हमने बोला, और उसके बाद फाइनली हमारा स्विच में आता है। तो ये पूरा का पूरा DCS पैनल रूम होता है, और ये हमारा फील्ड में होता है, ये पूरा सिस्टम हमारा फील्ड का है, ये पूरा सिस्टम हमारा DCS पैनल रूम में होता है। उसके बाद हमारा ये स्विच से LAN केबल के थ्रू ये हमारा कनेक्टेड होता है ऑपरेटर रूम, जो कंट्रोल रूम जिसको बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।